बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं हूँ स्वीटी वर्मा, आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के साथ राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए भी योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है ट्राइबल सप्लान योजना। बकरियों में अभी खास करके गर्मी बरसात के मौसम में देखा जाता है पीपीआर बीमारी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका लक्षण होता है कि बुखार होता है, दस्त होता है, नाक से पानी आता है, निमोनिया होता है और बकरियां मरने लगती है और तेजी से ये बीमारी एक बकरी से दूसरी बकरी में फैलता है। इस बीमारी से बचाव के लिए, चूंकि ये विषाणु जनित रोग है, तो पीपीआर टीका बाजार में उपलब्ध है। 1 ml मात्रा बकरियों में लगा करके और 1 साल में 1 बार ये टीका लगाना है और इससे बकरियों में बीमारी से बचाव कर सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में लतेदार सब्जियों जैसे नेनुआ और झींगे की फसल लगा सकते हैं। झारखंड के परिवेश में नेनुआ और झींगे की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान नेनुआ की स्वर्ण पवा और झींगे की स्वर्ण उपा नामक उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परिभेद अच्छी उपज देने के साथ ही चूर्ण लासिता रोग प्रतिरोधक भी है। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान ब्रांड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। झारखंड में होने वाले सभी फसलों का हम लोग ये खेती करते हैं, विशेषकर अदरक हुआ, बैंगन हुआ, आलू, सेम, गोभी वगैरह सभी चीज़ का। हमारे बाप दादा तो अपने जमाने के जो पुराने तरीके से खेती करते थे, लेकिन हम लोग चूँकि हम लोग थोड़ा ये पढ़े लिखे हैं तो हम लोग अपने तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के लिए मिजाज
आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें जाना मौसम का हाल और कृषि की नई तकनीक के बारे में। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम घर में रोज किसी न किसी प्रकार की सब्जियां जरूर बनाते हैं। सब्जियाँ कई प्रकार की होती है, जैसे कि कुछ सब्जियाँ छोटे पौधों में उगते हैं तो कुछ सब्जियाँ जमीन के अंदर, तो कुछ जैसे कि करेला, नेनुआ, झींगी आदि लत्तेदार सब्जियाँ। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में और जानते हैं गर्मियों के मौसम में कैसे करें लत्तेदार सब्जियों की देखभाल। गर्मी के मौसम में कड़ी धूप के कारण खेती बाड़ी कठिन होता है। सबसे मुश्किल फसलों के पटवन के लिए पानी की समस्या होती है, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई का साधन उपलब्ध है वे गर्मी में लत्तेदार सब्जियों की खेती कर कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आज हमारे साथ हैं तकनीकी विशेषज्ञ विजय कुमार सिंह जी, जो कि प्लांडू अनुसंधान केंद्र से हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मियों के मौसम में लत्तेदार सब्जियों की देखभाल किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस समय जो लत्तेदार सब्जी लगे हुए हैं वो कौन कौन से लगे हुए हैं, और जो किसान भाई लगाना चाहते हैं वो क्या इस मौसम में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, देखिए जैसे कि गर्मा लत्तेदार सब्जी की हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से खीरा, झींगी, नेनुआ, करेला, ये मुख्य रूप से जो है गर्मा की सब्जी फसल है। कुछ तो किसान भाई लगाए हुए होंगे जिनका खड़ी फसल जो है अभी खेत में होगा। तो अगर इसकी देखभाल की हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी की बात है कि सिंचाई की व्यवस्था। अभी गर्मी का मौसम है, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, तो सिंचाई पर किसान भाई जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दें। कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन जो है आप अपने खेत की सिंचाई करें। एक बात और किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि प्रायः किसान जो है ना जब लत्तेदार सब्जी में सिंचाई करते हैं, पटवन करते हैं, तो पूरे खेत को पटाते हैं, जबकि पौधा जो है जड़ से जो है पानी और खनिज लवण लेता है। तो आप जो है क्यारी बना के क्यारी में उसके जड़ में अगर आप पानी देते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। रांची के पलांडू स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के तकनीकी विशेषज्ञ विजय कुमार सिंह कहते हैं कि जड़ में पानी दें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर पूरे खेत में पानी डालते हैं तो समझिए 80% पानी बर्बाद हो जाता है। ऐसे में सब्जियों की सिंचाई का सही तरीका क्या हो सकता है वे बता रहे हैं। अगर आप पूरे खेत को पटा रहे हैं तो उसमें 80% पानी को आप बर्बाद कर रहे हैं, मात्र 20% पानी ही जो है पौधा को मिल पा रहा है। इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना है कि आप जब शुरुआत में जो बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, जब लगाते हैं तो जो है 1.5 फीट का जो आप बीज बुआई के लिए रखते हैं उससे पहले जो है 1.5 फीट का जो है नाला बना लें और नाला से जो है पानी दें, ताकि जो है पानी की बर्बादी नहीं हो और पूरा का पूरा पानी जो है आपके पौधा को मिल पाए। एक चीज़ और होता है, कभी कभी किसान भाई जो है नाले में पानी देते हैं लेकिन क्या करते हैं कि शुरुआत से जो है उस मेड़ में पानी दे रहे हैं और वो पानी बह के ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो
आप जो पोषक तत्व देते हैं, जो रासायनिक खाद देते हैं, जो गोबर खाद देते हैं, वो सारा बह के जो है नीचे की तरफ चला जाता है। और आप देखते होंगे कि जो ऊपरी वाली जो क्यारी है उसमें जो है पौधे जो है थोड़ा सा पीला पड़ने लगते हैं, और जो सबसे नीचे वाले क्यारी के पौधे हैं उसमें बढ़त ज़्यादा होता है। इसका कारण है कि जो आप पोषक तत्व दे रहे हैं वो सारा का सारा बह के जो है नीचे चल जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो नाला बना रहे हैं तो जब क्यारी बनाते हैं, जैसे 10 मीटर का आपका खेत है तो हर 2 मीटर पर उसको बांध दीजिए और बीच में पानी दीजिए ताकि दोनों तरफ पानी जाए, तो उसका पोषक तत्व जो है बाहर नहीं निकलेगा और पौधा को भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा। इन लत्तेदार सब्जियों को कीट से बचाना भी बेहद ज़रूरी होता है। कृषि जानकार विजय कुमार सिंह कहते हैं कि किसान भाइयों को रोग लगने से पहले ही उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कीट का आक्रमण सब्जियों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो अभी मुख्य रूप से जो है आपके खेत में जो है लत्तीदार सब्जी लगी हुई होगी तो एक आता है समस्या आता है लीफ माइनर का, जिसको पर्ण सुरंग कहते हैं। आप अपने खेत में जो खासकर खीरा है, झींगी है, उसके पत्ते को देखेंगे तो उस पर सफ़ेद रंग का धारी बना हुआ आता है, ठीक है ना। वो उसमें जो है कीट जो है उसका जो है क्लोरोफिल को जो है सक करता है, चूसता है, जिसके चलते जो है वहाँ पे जो है सफ़ेद भाग बन जाता है। और अगर पत्ती में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाएगा तो जो है भोजन जो बनाता है पौधा वो क्लोरोफिल के ही चलते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। तो अगर ये लीफ माइनर की समस्या अगर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें जो है आपका पौधा सूख जाएगा, फलन कम हो जाएगा, उत्पादन क्षमता घट जाएगा। इसके लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसके उपाय से पहले, इसको रोक से पहले जिसका प्रबंधन करना है। क्या करना है कि जो भी संक्रमित पत्ती है जिसमें इस तरह का सफ़ेद धारी दिखता है, सबसे पहले जो है लोअर लीफ जो नीचे वाली पत्तियां हैं जिसमें संक्रमित पत्ती है उसको काट लें और काट के हटा दें, कहीं पे गड्ढे में दबा दें या उसको जला दें ताकि जो है ये कीट जो है आगे नहीं बढ़े। और इसके नियंत्रण के लिए है एक दवा आता है ट्राइजोफॉस, जो काल के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। तो इस दवा को जो है 2 ml दवा को 1 लीटर का पानी घोल बना के जो है उसका छिड़काव करें। किसान भाइयों ध्यान रखें, अभी गर्मी का मौसम है तो छिड़काव करने का जो समय अभी उचित समय जो है वो जो है 7-8 बजे सुबह में या शाम में जो है 4 बजे के बाद करें। गहरी धूप में जो है दोपहर में आप छिड़काव नहीं करें। दूसरा समस्या आता है आपको जो है रेड पंपकिन बीटल, लाल रंग का कीड़ा होता है जो उड़ता है और वो भी जो है पत्तियों को खाता है और तना को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए एक दवा है शेविन, उसका जो है 1 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर उसका छिड़काव करते हैं तो जो है आपको जो है ये जो है रेड पंपकिन बीटल जो है उड़ने वाली कीट का समस्या से आपको निदान हो सकता है। गर्मी के मौसम में लत्तेदार सब्जियों को खरपतवार से भी बचाना होगा क्योंकि इससे सब्जियों के उत्पादन पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में प्लास्टिक मल्च तकनीक का इस्तेमाल करें, इससे इन लत्तेदार सब्जियों को खरपतवार से काफी हद तक बचाया जा सकता है। किसान भाइयों अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको अपने फसल में खरपतवार पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। खरपतवार में जो अनावश्यक जो घास होता है उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखिए निकाई गुड़ाई का काम तो करते हैं लेकिन निकाई गुड़ाई के क्रम में भी जो है ना वो जो है घास जो है उसका पोषक तत्व को जो है खींच लेता है और नतीजा होता है कि वहाँ पोषक तत्व की कमी हो जाती है पौधों में और उसका उत्पादन क्षमता घट जाता है। इसके नियंत्रण के लिए एक हमारा नया तकनीक है, प्लास्टिक मल्च पे अगर आप पौधा लगाते हैं। ये प्लास्टिक मल्च जो है साधारण प्लास्टिक से अलग होता है। इसमें 2 कलर होता है कि प्लास्टिक में 2 कलर होता है, एक भाग जो है सिल्वर कलर का होता है और दूसरा भाग जो है तो काला होता है। जब आप बीज बुआई कर रहे हैं मेड़ बना के जो है उस पे जो है आप काला भाग को नीचे की तरफ रखेंगे और सफ़ेद भाग जो है सिल्वर कलर का है उसको ऊपर भाग रखेंगे और जिस क्रम में जैसे आपको बुआई करने का जो तरीका है कि एक थाला से दूसरे थाला के बीच का जो है 1.5 फीट का दूरी है तो जहाँ जहाँ आपको बीज लगाना है या जहाँ जहाँ आपको पौधा लगाना है वहीं पर आप प्लास्टिक को काटें और वहीं पर जो है आप बीज की बुआई कर दें। इससे क्या होता है काला वाला भाग नीचे रहने के चलते जो घास निकलता है तो घास को सूरज की रोशनी नहीं मिलता है और पौधा जो है अपना भोजन सूरज की रोशनी में ही बना पाता है तो वो भोजन नहीं बना पाने के चलते वो घास जो है जल जाता है, दब जाता है और नहीं निकल पाता है। तो इस तरह जो है इससे जो है सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको जो है खरपतवार पर नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा है कि इस प्लास्टिक मल्च पर अगर आप खेती कर रहे हैं तो ये चूँकि ढका हुआ रहेगा तो यहाँ पे जो है जड़ में नमी जो है आपके पौध में वो ज़्यादा बना रहेगा तो आपको कम पानी देने की आवश्यकता होगी।
तो किसान भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ इस रिपोर्ट का आपको अधिक लाभ होगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, विराम के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर्पगंधा एवं सतावर दोनों ही बहुत लाभदायक फसल है। सर्पगंधा का पौधा एक सदाबहार पौधा है, जिसकी जड़ें पीले भूरे रंग की होती है और पत्तियां चमकीले हरे रंग की होती है। सर्पगंधा का उपयोग मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं का निदान के लिए किया जाता है। साथ ही सतावर भी कई गुणों से भरपूर है। सतावर एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसकी फसल 18 महीने में तैयार होती है। साथ ही सतावर की खेती करने से फसल को नुकसान कम होता है और पैदावार भी अच्छी होती है। दवाइयां सतावर की जड़ से तैयार की जाती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस रिपोर्ट में और जानते हैं सर्पगंधा एवं सतावर की खेती के बारे में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज ICAR पलांडू में है और यहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर बीके झा। ये हमें जानकारी देंगे सर्पगंधा और सतावर की खेती कैसे की जाए। ये दोनों औषधीय पौधा है, लेकिन सबसे पहले आइए इनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों जोहार। डॉक्टर साहब, ये तो हमने विषय चुना है सर्पगंधा और आपका सतावर के बारे में, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो यहाँ औषधीय पौधों की क्या संभावनाएं दिखती है आपको? किसान भाइयों, खास करके जब हम फसल विविधीकरण की बात करते हैं, तो जो आप परंपरागत जो आप खेती करते हैं, अन्य चाहे अनाजीय फसलों की हो या बागवानी की हो, वहीं पे हमारे समक्ष औषधीय पौधों की भी खेती की बहुत अच्छी संभावना है, खास करके झारखंड परिवेश में है। और ख़ास करके जैसा आप जानते हैं, औषधीय पौधों का महत्व आज हमारे जीवन में पहले से भी है और अभी भी है, और निश्चित तौर पे औषधीय पौधों की जो हमारी भारत जो देश है वो विश्व में दूसरा उत्पादक देश है। तो खास करके हम औषधीय पौधों की बात करें तो यह आपकी आमदनी भी बढ़ाएगी और साथ में जो हमारी वर्तमान चिकित्सा पद्धति है, यूनानी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, उसमें यह इसकी जो दवाएं इसे रॉ मटेरियल से तैयार होती हैं वो भी मानव जीवन के लिए काफ़ी अच्छी है। और ख़ास करके हम झारखंड परिवेश में बात करें तो यहाँ पर हमारे पठारी भी हैं, टार भूमि क्षेत्र भी हैं और सामान्य हमारे पास खेत भी हैं, तो इसमें हमारे पास जो उपयुक्त पौधे हैं, खास करके जैसे भी चर्चा हो रही थी, सतावर है या सर्पगंधा है या अश्वगंधा है, सफ़ेद मुसली हैं या एलोवेरा है, बहुत से पौधे हैं औषधीय पौधे खास करके, जिसकी हम सफलतापूर्वक किसान भाइयों खास करके झारखंड के परिवेश में कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आपकी जो आमदनी है और खास करके जो भी हम हर्बल क्रांति की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी हमारे पास किसानों के लिए खास करके फसल विविधीकरण में आप अन्य फसलों के साथ भी चाहें तो आप औषधीय पौधों को लगाएं। और खास करके औषधीय पौधों की जो हम सामान्यतः बात करते हैं, इसमें क्या होती है कि इसमें ज़्यादा खाद, ज़्यादा आपको पानी, इसकी आवश्यकता कम होती है, तो इस ऐसे इसमें आप ऐसे मिट्टी ऐसे आप खेतों का चुनाव कर सकते हैं जहाँ पे कि आप किसान भाई औषधीय पौधों की सफलता पूर्वक खेती कर सकते हैं, खास करके झारखंड परिवेश में जो यहाँ की जलवायु है। खास करके अभी के लिए हम बात करें तो जैसे हमारे पास अश्वगंधा है या हमारे पास सर्पगंधा है या हमारे पास सतावर है, तो खास करके इन तीनों फसलों की हम अच्छे ढंग से अभी हम खेती कर सकते हैं। खास करके जैसे हमें किसान भाइयों आपको अगर सतावर खेती करनी हो, तो निश्चित तौर पे सतावर हो या आपकी या सर्पगंधा हो या अश्वगंधा को हम चाहते हैं तो ये हम इसको खरीफ के लेट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि जैसी आपकी बरसात जानी रहती है, तो अश्वगंधा में हम बीज से सीधी बुआई करते हैं।
लेकिन जब हम सर्वगंधा और हम सतावर की बात करें किसान भाइयों, खास करके सर्वगंधा की बात करें, तो सर्वगंधा भी हमारे औषधीय पौधों में काफ़ी महत्व रखता है। और जैसे पागलपन का रोग होता है या मिर्गी होती है तो या हमारा रक्तचाप होता है, तो इसके नियंत्रण में काम आता है। और खासकर जो हमारी सतावर है ये हमारे जो है उसमें शक्तिवर्धक के रूप में काम आता है। और अश्वगंधा की बात करें तो यह भी जो है हमारे टॉनिक के रूप में, शक्तिवर्धक के रूप में आता है। तो अगर हमें सर्वगंधा और शतावर खेती करनी हो किसान भाइयों, तो इसके लिए हमारे पास जो ज़मीन की आप चयन करें, तो अगर हम शतावर के लिए अगर हमारी रेतीली भी ज़मीन है और तो वो हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो ट्यूबर बनती है वो ज़मीन के नीचे बनती है। और सर्वगंधा भी है तो यह इसके लिए हमारे पास, अगर दोनों में हमारे पास जल निकास युक्त होना चाहिए। और इसमें खास करके जब हम सर्वगंधा की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हमें दोनों की हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बीज जो है जैसे शतावर में हम लोकल कल्टीवार भी यूज़ करते हैं, तो शतावर दोनों की बीज, जैसे कि हम सर्वगंधा की बात करें तो इसमें करीब 5 से 6 kg की बीज की हमें आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर। और इसकी पहले आप नर्सरी तैयार कर लें, तो नर्सरी जैसे आम आप नर्सरी तैयार करते हैं वैसे इनकी भी नर्सरी तैयार कर लें। और ख़ास करके जब आपके ये मई जून का भी समय है तो मई के आखिरी में या जून के प्रथम सप्ताह में आप नर्सरी इसकी तैयार कर लें। और नर्सरी तैयार करने के बाद जब पौधे 1 महीने के हो जाते हैं तो इसको फिर आप जो है 45x45 cm हमारे कतार से कतार या पौधे से पौधे दूरी करके आप लगाएं। और यह जो हमारी फसल होती है सर्वगंधा, ये करीब 18 महीनों की होती है। तो इसमें क्या होता है, इसके जो हमारे जड़ हैं यह हमारे मूल रूप से काम आते हैं दवा के रूप में। तो इसकी जड़ों की हार्वेस्टिंग जब हमारे 18 महीने हो जाए, खास करके इसमें थोड़ी उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है जो कि नॉमिनल होता है। जैसे आप अगर सर्वगंधा में खाद की इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें 30 kg नाइट्रोजन की मात्रा और 7 kg फॉस्फोरस या पोटाश आपको यह देनी पड़ती है जब आप 40 दिन के बाद इसकी जब कमठौनी करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर रोग भी नहीं आते हैं। अगर रोग आते भी हैं तो इसमें आद्गलन आती है या फिर जिसमें आप पर इसमें इसके उपचार के लिए आपको क्या है, डाइथिन M45 की हमें छिड़काव करनी पड़ती है। और जब यह 18 महीने की हो जाती है तो उसके बाद अगर ज़मीन में नमी है तो ठीक है, नहीं तो हम हल्की सिंचाई करने के उपरांत हम इसकी जड़ों को खोद के निकाल देते हैं। और जड़ों की जो हमारी आप किसान भाई आपकी उपज आती है करीब 15 से 20 क्विंटल जो आती है आपकी कच्चा जो आपके जड़े निकलते हैं, क्योंकि हम 5 से 6 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर इसकी उपज आती है। इस तरह से आपका यह सर्वगंधा की खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और सतावर के केस में क्या, सतावर में भी आप क्या है बीज से आप इसी समय में मई जून में आप उसकी नर्सरी तैयार कर लें और उसके बाद इसको आप मेड़ के ऊपर आप सतावर को लगाएं। और सतावर में खास करके आप अगर मचान बना देते हैं तो मचान में इसकी उपज जो देखी गई है ट्यूबर्स की उपज जो होती है वो ज़्यादा होती है। और यह भी किसान भाइयों आपकी जो अवधि होती है करीब आपकी 18 से 20 महीनों की होती है। तो उसके बाद जब हमारी ऊपर की जो हमारी ये होती है जो मचान वगैरह में लगा दिया है और ऐसे ना लगाए हों तो इसकी उपज कम होती है, तब ज़मीन पर फैलती है। तो सतावर की क्या है कि जो आपकी ट्यूबर की इल आती है तो वही जैसे कि आपका जब 18 से 20 महीने हो जाते हैं, जब इसकी ऊपर की पूरी जो आपकी लत्तर है वो सूख जाती है, तब आप इसको क्या करें, तब ज़मीन को गड्ढा करके तब आपके इसको ट्यूबर को निकाल लें। और तब इस ट्यूबर जो आपकी है वो रॉ मटेरियल जो है वो आपके औषधीय पौधों में आपकी जो है वो रॉ मटेरियल्स बिक जाते हैं। खासकर किसानों अगर यहीं पे हम बात करें कि आपको अधिक आमदनी कैसे प्राप्त हो इनसे, तो उसके लिए किसान भाइयों क्या होता है कि आपकी जैसे आप जड़ें निकालते हैं तो इसको आप सन ड्राई करके और उसके बाद इसको अगर आप पाउडर बना लेते हैं तो उसकी बाज़ार वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो यह चीज़ का विशेष करें, खासकर कि हम जो यह जो तकनीक होती है किसान भाइयों आपको नहीं मालूम होती है, तो इससे क्या होता है कि आप सीधा जड़ों को बेचने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं और जिससे क्या होता है कि आपको अधिक मुनाफा नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या करें कि आप इसकी जड़ों को सुखा करके और आप इसको अगर पाउडर बना लेते हैं तो वह आपके लिए क्या होता है कि आपके समयबद्ध तरीके से आपको नहीं है कि हमें अभी बेचना ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सतावर की खास करके और सर्वगंधा की हमारे झारखंड परिवेश में बहुत ही है। और अगर हम अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा में भी क्या है कि बीज से आप इसकी नर्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप खेत की तैयारी करके और उसमें जैसे गोबरी खाद आप दे देते हैं तो उसके बाद इसको छिड़काव विधि से या लाइन विधि से आप इसको 40 से 45 सेंटीमीटर आप कतार से कतार दूरी रखें और पौधे से पौधे करीब 10 से 15-20 cm रखें। तो इससे क्या होता है कि आप लाइन विधि से अगर आप कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि यह आपकी अगस्त जब बारिश हमारी जानी होती है तब उसमें हम इसको बीज की छिड़काव कर देते हैं और यह करीब 3 से 4 महीने में हमारी तैयार हो जाती है। और खास करके अश्वगंधा की बात करें
तो अश्वगंधा में क्या होती है, किसान भाइयों आपको जानकारी, तकनीकी जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसकी जड़ें जो हैं वो जब आप इसको हार्वेस्ट करें, जब इसकी ज़मीन से, चूँकि इसकी जड़ें ही उपयोगी होती हैं, तो जब आप जड़ें को निकालते हैं तो यह देखें कि टूटे नहीं और उसमें नमी रहनी चाहिए। और यह विशेष ख्याल रखें आप किसान भाइयों कि इसकी जड़ें जो हैं जब आप निकालते हैं तो ये ब्रिटल हार्ड नहीं होना चाहिए, ये मुलायम होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी इसमें जो सैपोनिन कंटेंट होता है, जो कि हमारी मेडिसिनल वैल्यू जो होती है इसमें, तो वो जो विथेनियन सोमनीफेरा का जो इसका एल्कलॉइड होता है, तो विथेनिन, तो वो उसकी मात्रा उसमें ज़्यादा रहती है। अगर आपकी जड़ें ज़्यादा मतलब अगर लेट से आप अगर हार्वेस्ट करते हैं तो क्या होती है, इसकी जड़ें अगर आपकी, जैसे ही आप उसको जस्ट टेस्ट कर लेंगे, आप जड़ों को तोड़ते हैं वो टूट जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें आपका विथेनिन कंटेंट कम है, तो इसलिए उसको सही समय पर आप निकालें तो इसकी जो बाज़ार भाव होती है वो ज़्यादा मिलती है। और जैसे मैंने कहा कि चाहे वो सरबंदा हो, चाहे आपकी सत्तावर हो या आपकी अश्वगंधा हो, तो इसके जड़ों का, और खासकर शतावर में जब ट्यूमर की बात करते हैं, इसकी जड़ों का अगर आप पाउडर बना के बेचें बाज़ार में तो यह बहुत ही अधिक कीमत पे आपकी बनेगी, बिकेगी, जो आपको जिस तरह से आपने अगर सिर्फ उसकी जड़ें या ट्यूबर को आपने बेच दिया तो। तो किसान भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप इससे जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।